हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक और न्यू होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में बात करेंगे। इस रेमेडी का नाम है फास्फोरस। दोस्तों, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर पैथोफिजियोलॉजी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर मेंटल जनरल्स, जनरलिटीज़, फिजिकल जनरलिटीज़, और उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग होम्योपैथी से रिलेटेड ही और भी कुछ बातें करेंगे। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारे न्यू होम्योपैथिक रेमेडी से। इसका नाम है फास्फोरस। दोस्तों, फास्फोरस एक मिनरल किंगडम से बिलोंग करने वाली होम्योपैथिक रेमेडी है, जो कि एक नॉन मेटल है, लेकिन ये बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है। रिएक्टिव का मतलब हुआ कि दोस्तों, हम जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं उसमें न्यूट्रॉन होता है और उसके और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आसपास जो है चक्कर काटते हैं ऑर्बिट्स में। तो दोस्तों, जो रिएक्टिविटी होती है डिपेंड करती है कि जो उसके आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए या तो जो एलिमेंट्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं या तो रिसीव करते हैं। तो इसमें जो है, इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और इसे रिक्वायरमेंट होती है 3 इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव होता है और बॉन्ड्स बनाने में बिलीव करता है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि जो फास्फोरस है इसमें इस रेमेडी के सेंटर में है बॉन्ड्स बनाना। ये पर्सनैलिटी जो है वो कंपनी लाइक करती है, ये पर्सनैलिटी बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना चाहती है, ये पर्सनैलिटी अकेला रहना नहीं चाहती है। इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि अकेलापन इसकी सबसे बड़ी तकलीफ है। तो हम इसके बारे में जब माइंड सेक्शन हम पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी चलिए हम इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों, तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि प्रूविंग के दौरान क्या क्या इफ़ेक्ट्स जो है वो प्रूवर्स में दिखे और किस तरह की पैथोलॉजी को फास्फोरस क्योर करने की कैपेसिटी रखता है। तो दोस्तों, इसका जो असर है वो नर्वस सिस्टम पे, ब्लड पे, बोन्स पे, टीथ्स पे, लीवर पे, किडनी पे, ब्रेन पे, स्पाइनल कॉर्ड पे, इन सभी ऑर्गन्स पे, GIT पे, हर ऑर्गन पे पड़ता है। इसका जो बेसिक कारण ये है कि फास्फोरस एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, हर लेवल पर रिक्वायर्ड है। ये जो है, जैसे DNA और RNA को सिंथेसिस करने के लिए फास्फोरस की ज़रूरत होती है। सपोज़ फास्फोरस अगर बॉडी में नहीं है या कम मात्रा में है, तो DNA और RNA जो सेल्स के हैं वो प्रॉपर फॉर्म नहीं होते। ऑफकोर्स इसका जो नतीजा है वो ये होता है कि जो सेल्स में जो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता है, एनर्जी जो प्रॉपर प्रोड्यूस होनी चाहिए वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होती है। इसीलिए जो फास्फोरस है वो वीक होता है, फिजिकली जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही वीक होता है। दूसरा ये कि इसके सेल में जो है वो प्रॉपर जो सेल फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए जो वूंड्स होते हैं वो प्रॉपर हील नहीं हो पाते हैं, फास्ट हील नहीं होते हैं। ये यूजुअली उन लोगों के लिए भी बहुत इंडिकेटेड है, चूँकि छोटे बच्चे बहुत तेज़ी से जो ग्रोथ करते हैं उनमें फॉस्फोरस की कमी हो जाती है, ऐसे लोगों में भी फॉस्फोरस के जो सिम्टम्स हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन को भी असिस्ट करता है, जिसकी वजह से अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, कुछ हो जाए, तो कन्वर्जन्स जो है आ सकते हैं, जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है इसमें जो है प्रॉब्लम आ सकती है। फिर है नर्व कंडक्शन। तो ये फास्फोरस एक इम्पॉर्टेंट इन्ग्रेडियंट है नर्व के लिए। अगर फास्फोरस की कमी है तो नर्व्स प्रॉपर फंक्शंस नहीं करेंगे, इसकी वजह से एपिलेप्टिक अटैक्स भी पेशेंट को जो है आ सकते हैं। ब्रेन जो है ऑलवेज थका रहेगा, वीक रहेगा, ये फास्फोरस की कमी की वजह से हो सकता है। फिर ये हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए भी बहुत जो है काम आती है। इसका असर जो है वो हर एक टिश्यू और सेल्स पे पड़ता है, इसीलिए ये हर ऑर्गन पे अपना असर डालती है। जैसे कि बोन्स हैं, बोन्स जो हैं वो अपनी मतलब बोन्स में भी जो है प्रॉपर सेल फॉर्मेशन नहीं होगा तो बोन्स ऑफकोर्स वीक हो जाएंगे। फिर किडनी टिश्यूज़ पे भी असर पड़ता है, लंग टिश्यूज़ पे असर पड़ता है, लीवर पे, स्पाइनल कॉर्ड पे इसका बहुत असर पड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन पे असर पड़ने की वजह से इसे पैरालिसिस हो सकता है। फिर डीजेनरेटिव चेंजेस आ सकते हैं नर्व्स में,
और इसमें जो है ब्लड सेल्स में क्योंकि एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो सकती है ड्यू टू फॉस्फोरस, तो उसकी वजह से जो है जब हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो जब प्रॉपर ढंग से फॉर्म नहीं होते हैं तो हमारा बॉडी उसको जल्दी ही डिस्ट्रक्शन कर देता है, यानी उसके लाइफ स्पैन तक उसको रहने नहीं देता है क्योंकि वो यूज़लेस हो जाते हैं। तो और साथ साथ जो है वो डिफेक्टिव ब्लड भी फॉर्म हो रहा है, और भी कई तरह की समस्याएं आती है जैसे हेमरेजिक टेंडेंसी होती है, ब्राइट रेड जो है ब्लीडिंग होती है फॉस्फोरस में, तो ये सारी चीज़ें जो है वो जगह जगह से जो है ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है फॉस्फोरस की। तो ये सारी जो है वो पैथोफिजियोलॉजी का पार्ट है फॉस्फोरस का। जो कोएगुलेटिंग पावर जो होती है जिससे कि हमारा खून रुकता है, सपोज वुंड हो गया उससे ब्लड बह रहा है तो अपने आप रुक जाता है, तो ये जो पावर है वो घट जाती है उस पेशेंट में जो कि फॉस्फोरस पेशेंट बन चुका है, क्योंकि फॉस्फोरस एक की इंग्रेडिएंट है जो इन सभी चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड है। अगर फॉस्फोरस की कमी होगी या एबनॉर्मलिटी आएगी या बॉडी फंक्शंस में या उसके एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आएगी तो हर हालत में पेशेंट जो है वो ज़बरदस्त तौर पर डिजीज्ड होगा और फॉस्फोरस के सिम्टम्स जो है उसमें आ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन फॉस्फोरस का कैसा होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। फॉस्फोरस एक बहुत ही डेलिकेट पर्सनैलिटी होती है, लंबी दुबली पतली नैरो चेस्ट होता है, बहुत रैपिडली ग्रोथ करने वाले बच्चों में भी जो है इसकी कमी पाई जाती है जिसकी वजह से जो है ये फॉस्फोरस कॉन्स्टिट्यूशन आ सकता है। बेसिकली फॉस्फोरस जो है बहुत ही डेलिकेट पर्सनैलिटीज़ में होता है। कई बुक्स में दिया है कि जो फॉस्फोरस है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, ट्रांसपेरेंट स्किन होती है वगैरह वगैरह, लेकिन ये वैसे तो ये हर उस व्यक्ति पे लागू हो सकती है जो कि डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया है, लॉन्ग सफरिंग्स की वजह से वो डिजीज्ड हो गया है उस, और उसकी वजह से जो है उसे फॉस्फोरस के सिम्टम्स जो है उसमें आ रहे हैं। तो दोस्तों बेसिकली आप कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई पेशेंट को आप देखेंगे तो उसकी जो है आपको डेलिकेसी यानी वो व्यक्ति डेलिकेट हो चुका है, भले वो बाहर से डेलिकेट ना भी दिखे लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से जो पेशेंट है वो डेलिकेसी उसमें आ गई है। वो फटाफट बीमार होता है, ज़्यादा एग्जर्शन नहीं कर पाता है, ना ही मेंटल लेवल पे ना ही फिज़िकल लेवल पे, तो उसके लिए एग्जर्शन करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मायज़म की। तो दोस्तों इसमें सोरा और सिफिलिटिक दोनों लेवल के मायज़म्स होते हैं। सोरा इसलिए क्योंकि इसमें फंक्शनल से लेकर डिस्ट्रक्टिव चेंजेस तक सारे चेंजेस जो है हर स्टेज से ये फॉस्फोरस गुजरता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है सिफिलिटिक की तरफ ये ज़्यादा जाता है क्योंकि हेमरेजिक टेंडेंसी है, डिस्ट्रक्शन है, तो पैरालिसिस है, कैंसर है, इस तरह से जो है फॉस्फोरस जो है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइनिंग स्टेज में पहुँचने लगता है। तो इसमें जो डायथेसिस है इसका, इसमें है ट्यूबरकुलर डायथेसिस और हेमरेजिक डायथेसिस। ट्यूबरकुलर डायथेसिस है इसका मतलब है कि वो जो पेशेंट है वो ईजिली प्रोन टू, मतलब इसकी उनमें फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, हो सकता है कि ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री हो, और पेशेंट बहुत वीक होगा, डेलिकेट होगा, ईजिली ससेप्टेबल होगा डिजीज़ के लिए। हेमरेजिक टेंडेंसी है यानी कि हर ऑरिफाइस से जहाँ से भी ब्लीडिंग जो है फॉस्फोरस का बहुत ही मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ब्राइट रेड ब्लड यानी एकदम फ्रेश ब्लड टाइप का जो है वो ब्लीड होता है, तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉस्फोरस का। दोस्तों फॉस्फोरस का जो माइंड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसे समझने के लिए पहले तो मैं जो सेंटर में जो बॉक्स में मैंने रूब्रिक्स दिए हैं उसे समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द जो सारे रूब्रिक्स हैं वो घूमते हैं और पर्सनैलिटी जो है वो फॉर्म होती है, और हमारे दिमाग में एक ट्रक पिक्चर आता है कि अगर हमें जज करना है कि फॉस्फोरस पेशेंट कैसा है तो वो हम जो है इससे जज कर पाएंगे। तो पहला है कंपनी डिज़ायर्स फॉर, दूसरा है एंग्जाइटी एलिमेंट्स फ्रॉम अलोन व्हेन, तीसरा है एंग्जाइटी फ्यूचर अबाउट, चौथा है एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट ओन हेल्थ हिज, फिर फिफ्थ है एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल डाउटफुल रिकवरी, देन सिक्स्थ फियर डार्क ऑफ। तो ये जो सिम्टम्स हैं मुझे लगता है कि ये सिम्टम्स जो हैं वो कोर है फॉस्फोरस के, और इसी की वजह से जो है वो पर्सनैलिटी जो है वो डिजीज्ड होती है, और
जो एक हेल्दी पर्सन था वो डिजीज की तरफ जाता है, और वो सारे रूब्रिक्स जो हैं वो इसी रूब्रिक्स से होकर इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर हम इन रूब्रिक्स को समझ लें तो बाकी रूब्रिक्स को भी समझना आसान हो जाएगा। दोस्तों, कंपनी डिज़ायर्स फॉर, यानी ये पर्सनैलिटी अकेली नहीं रह सकती है, इसे कंपनी की सख्त ज़रूरत होती है। एंग्जाइटी एलिमेंट्स फ्रॉम अलोन वैन, यानी ये अकेला रहता है तो इसे एंग्जाइटी महसूस होती है, इसीलिए ये अकेला रहना चाहता है। फिर है एंग्जाइटी फ्यूचर अबाउट, यानी उसे लगता है कि भविष्य में मेरा क्या होगा, क्यों हो, मतलब आखिर मतलब क्या हो सकता है, बहुत पैनिक हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि पता नहीं मेरा क्या होने वाला है फ्यूचर में, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। तो फिर है एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट, यानी ओन हेल्थ के बारे में बहुत चिंतित रहता है, क्योंकि ऑफकोर्स आपने देखा कि किस तरह के पैथोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो फॉस्फोरस पेशेंट में आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी व्यक्ति में जिसमें इस तरह की बीमारी हो जाए उसे, तो अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना तो लाजमी है कि ऐसा होगा ही। फिर है एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल डाउटफुल रिकवरी, इतना पेशेंट वीक हो जाता है अल्टीमेटली बीमार होने की वजह से कि उसे लगता है कि वो अब कभी ठीक जो है नहीं हो पाएगा, वो बीमार ही रहेगा, पता नहीं उसका क्या होगा, और इसीलिए अपने ड्यू टू डिजीज़ की वजह से भी वो अकेला रहना नहीं चाहता है। और फियर डार्क ऑफ, और उसे डार्क का डर, अंधेरे से डर लगता है, चीज़ों से भी डर लगता है, उसमें कई तरह के सिम्टम्स हैं जो मैं आगे आपको बताऊँगी कि उसे फैंसीफुल मतलब जो है फियरफुल, जो अकेले रूम में भी नहीं रह सकता है क्योंकि उसको लगता है कि कॉर्नर से जो है कुछ हॉरिबल चीज़ें जो है वो आ रही हैं, तो उससे भी वो डरता है। और डार्क ऑफ का एक और मतलब है कि कुछ निश्चित नहीं है, यानी लाइफ में अनिश्चितता कि मुझे ठीक होगा कि नहीं होगा, कितनी तकलीफ़ है मुझे, अगर नहीं ठीक हुआ तो ये जो अनिश्चितता है ये भी उसको बहुत प्रॉब्लम जो है क्रिएट करती है उस पेशेंट में। अब दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति में कुछ तो ऑफकोर्स सिम्टम्स मतलब सीड रहता है तभी प्लांट बनता है, तो उसी तरीके से जो बीमारी है, मतलब वो पेशेंट ठीक है, वो बीमार नहीं है उस वक्त, उसको सिम्टम्स नहीं है उसके अंदर, लेकिन कुछ उसका बेसिक नेचर है जिसकी वजह से, और लाइफ की इस एडवर्स सिचुएशन को फेस करने के बाद जो आउटपुट आता है वो जो है उसे डिजीज़ कर देता है और उस तरह के सिम्टम्स जो है आ जाते हैं। तो ये सभी रेपर्टरी के रूब्रिक्स हैं सिंथेसिस के, सिंथेसिस रेपर्टरी के। तो अब मैं इसके बारे में चर्चा करूँगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस बॉक्स के लेफ्ट साइड में बेसिक नेचर ऑफ फॉस्फोरस पर्सनैलिटी है, तो पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फॉस्फोरस पर्सनैलिटी जो है वो अकेली नहीं रहना चाहती है, कॉम्प्रिहेंशन ईजी, देन कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव, मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव रहता है, ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कर रहा होता है, बहुत क्रिएटिव होता है, सिंपैथेटिक होता है, इसमें दिया है सिंपैथेटिक जो है वो 3 मार्क है। फिर मैग्नेटाइज्ड अमेल, मैग्नेटाइज्ड का मतलब होता है कि जैसे मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है लोगों को अट्रैक्ट कर, चीज़ों को अट्रैक्ट करने की, तो ये भी जो है मैग्नेट की प्रॉपर्टी अडॉप्ट करके एक तरह से लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है अकेलापन सह नहीं सकता है, तो ये सोचता है कि ऐसा मैं क्या करूं जिसकी वजह से लोग जो है मेरे आसपास हमेशा बने रहें, ताकि उसे एक सपोर्ट महसूस हो, सहारा महसूस हो, उसे डर ना लगे, चाहे वो फ्यूचर से रिलेटेड एंग्जाइटी हो, चाहे वो डिजीज से रिलेटेड एंग्जाइटी हो, चाहे फिर वो लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड कोई एंग्जाइटी हो, उसे हमेशा लगता है कि लोग उसके साथ जो है हमेशा बने रहें। या फिर नॉर्मली भी उसे कंपनी अच्छी लगती है, उसे चिटचैट करना पसंद है, उसे लोगों से बात करना पसंद है, ये बहुत अच्छी कम्युनिकेटर होते हैं फॉस्फोरस पेशेंट्स। फिर आर्ट एबिलिटी 4, तो ये टैलेंटेड होते हैं, ये आर्टिस्ट टाइप के होते हैं। फिर एंटिक्स प्लेइंग में भी है, यानी कि कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, कुछ यूनिक करने की इच्छा इनमें हमेशा होती है, इनमें अट्रैक्ट करने की ज़बरदस्त पावर होती है। फिर एक्टिविटी डिज़ायर्स, यानी ऑलवेज ये एक्टिव रहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहते हैं, तो इस तरह की डिज़ायर जो है इनके अंदर हमेशा बनी रहती है। अफेक्शनेट रिटर्न्स अफेक्शन, इसमें बड़े बड़े में दिखा था फॉस्फोरस, यानी कि ये अफेक्शनेट भी होते हैं, यानी ये ट्रू लव करते हैं लोगों से, ये ट्रू फ्रेंड्स होते हैं दूसरों के, ये मतलब दूसरों की तकलीफ़ को भी अपनी तकलीफ समझते हैं, ये उनके लिए बहुत सिंपैथेटिक होते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, और इनके लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं और ये सबकी मदद करते हैं, और ये बिना मतलब
इनका बस एक ही रहता है मोटिव कि इन्हें भी उनकी उस अफेक्शन के बदले वैसा ही अफेक्शन जो है रिटर्न में जो है मिले, यही एक इनकी ख्वाहिश होती है और कोई ख्वाहिश नहीं होती इनकी। फिर है सिंपैथी फ्रॉम अदर्स डिज़ायर्स फॉर, देखिए फॉस्फोरस अगेन बड़े बड़े लेटर्स में, यानी कि ये दूसरों से भी सिंपैथी लेना पसंद करते हैं, दे लाइक सिंपैथी। इंडस्ट्रियस मेनिया फॉर वर्क, यानी कि ये मेहनती होते हैं। ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा हाई मार्क में नहीं दिया है, यानी कि ये ज़्यादा दोस्ती करना पसंद करते हैं, कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, अट्रैक्ट करना पसंद करते हैं। मैग्नेटाइज्ड ML मतलब ये कि जब लोग चारों तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसको अच्छा लगता है, वो पेशेंट अपने अकेलेपन को भुला देता है। अब आपने तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में देखा ही कि इसमें फॉस्फोरस में केमिकल लेवल पे बॉन्ड्स बनाने की इच्छा बहुत प्रबल होती है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स है कोई मुझे दे दे और मैं स्टेबल हो जाऊँ, ये रहता है फॉस्फोरस का। बिल्कुल उसी तरीके से जो मेंटल सिम्टम्स जो प्रूविंग हुई उसमें पेशेंट भी अकेला फील करता है, एंड दैट पर्सन वॉन्ट्स बॉन्ड, और उस बॉन्ड के लिए ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ लोगों से जो है बॉन्ड्स चाहता है, कंपनी चाहता है, कभी अकेला नहीं रह सकता, और ये अकेलेपन की बेचैनी इसमें जो है बहुत प्रोमिनेंट होती है। चाहे वो फॉस्फोरस लाइफ के किसी भी स्टेज में अकेलापन बहुत स्ट्रांगली जो है वो फील करता है और अकेलापन उसे टॉलरेबल नहीं है। फिर है लोकवैशियस, यानी कि बकबक करने में माहिर जाहिर सी बात है, ऐसे लोग एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जंप करते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, कम्युनिकेटर होते हैं, अपने कम्युनिकेशन से भी लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर लैशिवियस है, फिर इस तरह के जो है सारे सिम्टम्स जो है वो आ गए। एक जो नॉर्मल था पेशेंट वो एक नॉर्मल पर्सनैलिटी थी, लेकिन जिस तरह की वो रिस्पॉन्स लोगों से चाहता था वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, परिस्थितियाँ बदल गई, उसने जितना अफेक्शन लोगों को दिया लेकिन लोगों ने जो है अकॉर्डिंग बिहेव नहीं किया, तो उसकी वजह से जो है पेशेंट जो है वो डिजीज्ड हो जाता है, मतलब परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। दोस्तों सपोज़ एक लेडी है जॉइंट फैमिली में और बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही कंपनी डिज़ायर्स है, सारे फॉस्फोरस के गुण हैं उसमें, जैसे कि नॉर्मल नेचर मैंने जो आपको बताया कि वो सबकी सबका भला चाहती है, सबकी भलाई चाहती है, सबके लिए काम करती है, दिन रात काम करती है, सब से प्यार करती है और जेन्युइन लव देती है, सबके दुख में उनकी काम आती है। लेकिन क्या होता है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके हस्बैंड की डेथ होने के बाद सिचुएशन ये आती है कि जो उसकी फैमिली वाले हैं वो ये सोचते हैं कि अगर इसको भी हम हटा दें किसी तरीके से प्रॉपर्टी से, तो इसके हिस्से की प्रॉपर्टी भी जो है वो उनकी हो जाएगी इस टाइप से, और लोग जो है वो उसके साथ मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो घर छोड़ के चली जाए, या मतलब जो है वो मतलब तरह तरह से उसको जो है परेशान करना स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट अपोजिट बिहेवियर, एक तरफ वो जो है अकेलापन फील करती थी तो लोगों से कम्युनिकेट करती थी, अब जब लोग उसके साथ जस्ट अपोजिट बिहेव कर रहे हैं, यानी अफेक्शन के बदले जब अफेक्शन नहीं मिल रहा है, तब फॉस्फोरस पेशेंट डिजीज़ होता है। जब फॉस्फोरस पेशेंट डिजीज़ होता है तब क्या क्या सिम्टम्स आते हैं ये जब हम देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि फॉस्फोरस में आखिर होता क्या है। पहला है हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ, पेशेंट हेल्पलेस फील करता है ऐसी सिचुएशन में, कोई साथ नहीं, एक तो ऐसे ही अकेलेपन की फीलिंग थी, फॉस्फोरस पर्सनैलिटी, ऊपर से जो है लोगों का कोऑपरेशन अब मिलने नहीं लगा, लोग सपोर्ट करने नहीं लगे, तो ये जो हेल्पलेसनेस की फीलिंग है पेशेंट में आ रही है, ऊपर से वो धीरे धीरे अब डिजीज हो रहा है, वो फिजिकली वर्क करने में सक्षम नहीं है, तो वो भी एक फैक्टर है जो हेल्पलेसनेस क्रिएट कर रहा है। होम सिकनेस, यानी कि उसे उन लोगों की याद आ रही है जो कभी उससे जो है बहुत प्यार से बिहेव करते थे, जैसे कि उसके मायके वाले या परिवार वाले, जो पहले जैसे कि उसकी माँ है या जो जिनसे उसको जेन्युइन मतलब लगाव था, ये उम्मीद थी, तो होम सिकनेस जो है ये फीलिंग हो सकती है। फिर हॉरिबल थिंग्स, सैड थिंग्स अफेक्ट्स हर प्रोफाउंडली, यानी कोई भी धीरे धीरे जो जैसे जैसे पर्सनैलिटी वीक होने लगती है वैसे वैसे उसका मन कमज़ोर होने लगता है, हर एक चीज़ उस पर असर डालती है, कोई बैड न्यूज़ सुन ले तो इफ़ेक्ट हो जाता है, कोई जो है हॉरिबल थिंग उसने देख ली
या कुछ सोच लिया तो भी अफेक्ट हो जाता है, यानी स्लाइटेस्ट थिंग जो है उसको कोलैप्स तक में पहुंचाने की कैपेसिटी रखता है। यानी ज़रा सा मेंटल, एक तो ऐसे ही मेंटल एग्जर्शन पूरा हो चुका है, ऊपर से अगर कोई इमोशनल जो है वो डिस्टर्बेंस ऐसा आ गया जो कि उसके जज्बात को अफेक्ट कर दे, तो हो सकता है कि पेशेंट सीवियर कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में जो है पहुंच जाए। फिर फॉरगेटफुल, पेशेंट जब डिजीज्ड हो जाता है तो वो उसकी मेमोरी वीक होने लगती है, एनर्जी लॉस होने लगता है ऑफकोर्स, तो इसकी वजह से उसकी जो वो फॉरगेटफुल हो जाती है पर्सनैलिटी। फियर पॉइजन्ड बींग, पॉइजन्ड फियर ऑफ, यानी कि उसको लगता है कि उसे कोई जहर दे ना दे दे, इस बात का डर। तो जाहिर सी बात है कि जब लोग उसके साथ तरह तरह का व्यवहार कर रहे हैं, गलत बिहेवियर कर रहे हैं, लाख वो लोगों के लिए अच्छा करें, लाख वो लोगों के लिए अच्छे से बिहेव करें, फिर भी लोग उसके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, तो इस तरह का डर जो है उसके अंदर बैठ जाता है कि कहीं कोई मुझे जहर दे करके हटाना तो नहीं चाहता है, कहीं कोई मुझे, इसीलिए मैंने ऐसी सिचुएशन दी उस लेडी के बारे में, क्योंकि ये रूब्रिक्स पे ये बहुत सूट कर रहा है। फिर है फियर हैपन समथिंग विल, उसको लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा, चाहे वो उसके साथ गलत हो जाए या उसकी हेल्थ को लेकर के वो डिजीज्ड है तो उसकी वजह से कहीं उसकी डेथ ना हो जाए, कई तरह के उसको डर जो है सताते रहता है, उसका मन बेचैन रहता है, घबराता रहता है। फियर मर्डर्ड ऑफ बींग, यानी इसमें तीन है, ओपियम, फॉस्फोरस और प्लम्बम, तीनों में ये फीलिंग होती है कि उसको कोई मार देगा, लेकिन रीज़न अपने अपने हो सकते हैं, वजह अपनी हो सकती है, फीलिंग सेंसेशन अलग हो सकता है, सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, लेकिन मर्डर्ड ऑफ बींग ये फियर जो है ये तीनों में रहता है, फॉस्फोरस में भी रहता है कि उसको लगता है कि कहीं उसे कोई लोग मार ना डालें। फिर फियर पीपल ऑफ, फिर धीरे धीरे जब वो बहुत अच्छी कम्युनिकेटर होती है, लेकिन जब इस तरह का बिहेवियर उसके साथ स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे उसमें लोगों के प्रति डर जो है मन में बैठने लगता है, वो लोगों से डरने लगती है, जो व्यक्ति कम्युनिकेटिव था अब वो व्यक्ति लोगों से डरने लगा है। फियर अलोन ऑफ बींग, ये सबसे बड़ा डर है उसकी ज़िंदगी का, अब तो ये जो सपना, जो भयानक सपना था, सच हो गया इसमें कि अब तो इसको अकेले ही रहना है, कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं, सब उसके साथ मिसबिहेव कर रहे, लाख उसके अच्छे बिहेवियर के बावजूद। फिर है फियर कैंसर ऑफ, उसको लगता है कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, जाहिर सी बात है जिस पैथोलॉजी को हमने देखा कि हेमरेजिक ब्लीडिंग से लेकर सब कुछ हो जा रहा है, टिश्यूज़ मैं चाहे नर्वस लेवल पे, हर लेवल पे, तो ऐसे व्यक्ति में अगर फियर ऑफ कैंसर ऑफ आता है, कैंसर का डर आता है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। फियर डार्क ऑफ, उसे अंधेरे से डर लगता है, एक तो वो डार्क में नहीं रह सकती ये तो सच है, दूसरा डार्कनेस का मतलब हुआ कुछ पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं, अब मैं कैसे जीऊँ, कैसे आगे जाऊँ अपने जीवन में, तो ये एक सर्वाइवल कैसे करूँ, तो ये भी जो है एक बड़ा फैक्टर है। फियर डेथ ऑफ, उसे लगता है कहीं वो मर तो नहीं जाएगी, और इसीलिए उसको लगता है कि काश उसके इर्द गिर्द लोग रहते तो अच्छा होता है, उसके लिए प्रयास भी उस सिचुएशन में भी कंपनी वो चाहती है या चाहता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो इस तरह की जो है जो डर है वो पेशेंट में जो है रहता है। फिर प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, माइंड एक्सेसिवली एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है, इतना सब प्रेशर लेने के बाद एक व्यक्ति की माइंड की क्या हालत होगी, तो इसलिए 3 मार्क है ये रेपर्टरी में। फिर सस्पिशियस, डाउटफुल हो गया, आपने देखा ना रूब्रिक ऊपर में कि पॉइजन से डर लगता है उसको कि कोई से पॉइजन ना दे दे, तो जाहिर सी बात है कि ये तो होना ही है, सस्पिशियस हो ही गया वो पेशेंट। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, सपोज़ इसमें किसी ने स्कोल्ड कर दिया, गलत तरीके से बिहेवियर कर दिया, तो बहुत तेज़ गुस्सा आ सकता है, और उस गुस्से में जो है हो सकता है कि उसको एपिलेप्टिक कन्वर्जन्स, ये सारी चीज़ें जो है वो आने स्टार्ट हो जाए, है ना। फिर है एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज़, कोई बुरी खबर मिल गई, एक तो ऐसे ही अंदर से कमज़ोर है पेशेंट, डरा हुआ है, ऊपर से कोई बैड न्यूज़ मिल गई तो वो कोलैप्स की कंडीशन में पहुंच जाएगा। एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉर्न बींग, यानी कोई गलत तरीके से बिहेव कर दिया तो भी जो है पेशेंट वो सीधे कोलैप्स की कंडीशन में जाएगा, कुछ ना कुछ उसको हो जाएगा, या तो पैरालिसिस हो जाएगा या तो हेमरेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ ना कुछ जो है एबनॉर्मलिटी स्टार्ट हो जाएगी। एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, यानी कि बहुत ही एम्बेरस्ड सिचुएशन से अगर पेशेंट गुजरता है तो ऐसी सिचुएशन में भी जो है बीमार हो सकता है वो पेशेंट। फिर एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, लंबा दुख है, कोई साथ नहीं दे रहा है, हम एकदम अकेले, काश कोई मदद करता, तो ये जो फीलिंग है वो बहुत बड़ा फैक्टर है फॉस्फोरस में, मेन फैक्टर है फॉस्फोरस में। एलिमेंट्स फ्रॉम लव, डिसअपॉइंटेड, यानी कि जाहिर सी बात है फॉस्फोरस तो सबसे प्यार करता है, सब सबकी परवाह करता है, बस बदले में वो वही अफेक्शन चाहता है, तो जब नहीं मिलता है और उल्टा जस्ट बिहेवियर लोगों से मिलता है
तब इसका दिल टूट जाता है और बीमार हो जाता है ये। एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, बहुत चिंताएं परेशानी इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम हो जाती है इसे। फिर डिस्पेयर, रिकवरी ऑफ, यानी कि अब इसे लगता है मैं ठीक हो पाऊँगा या हो पाऊँगी, इस हालत में हूँ मैं, मुझे नहीं लगता मैं ठीक हो पाऊँगी, तो ये भी जो है रहता है इसमें। और भी कई रूब्रिक्स थे लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं लिए, जस्ट पर्सनैलिटी को समझाना उद्देश्य था तो सो मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। तो एक पर्सनैलिटी जिसे कंपनी पसंद थी, वर्सेटाइल था, कम्युनिकेटिव था, एक्टिव था, इंटेलिजेंट था, अट्रैक्टिव था, अट्रैक्ट करने की पावर थी, मैग्नेटाइज्ड करने की पावर थी, वो पर्सनैलिटी अब लोगों से डरती है, वो पर्सनैलिटी अब जो है वो डिप्रेशन में जा चुकी, वो पर्सनैलिटी सस्पिशियस हो चुकी है, वो पर्सनैलिटी जो है वो वीक हो चुकी है, एक्सेसिवली वीक है कि अब ज़रा सा एक धक्का लगेगा, चाहे वो फिजिकल एक्जर्शन हो, मेंटल एक्जर्शन हो, कि दैट पर्सन विल गो इन टू द कोलैप्स। तो ये है फास्फोरस माइंड। अब थर्मल स्टेट की अगर हम बात करें तो पेशेंट जो है वो चिली पर्सनैलिटी है, बिल्कुल नेट्रामेटिकम की तरह जो पर्सनैलिटी है, इसको सॉल्ट पसंद होता है, रेपर्टरी में दिया है। फिर कोल्ड ड्रिंक्स, फिर क्रेव्स फॉर मीट एंड पोटैटोस, और हाँ ये रिफ्रेशिंग जूसी थिंग्स पीना बहुत पसंद करता है, क्योंकि फास्फोरस में क्या एज अ होल पूरी बॉडी में ज़बरदस्त जलन होती है, और सबसे ज़्यादा जलन तो उसके GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि स्टमक में होती है, तो उस जलन को कम करने के लिए ये ठंडी चीज़ें पीना पसंद करता है। लेकिन ये ठंडी चीज़ें जो है जैसी ही वार्म होती हैं स्टमक में, अगेन वॉमिट हो जाती हैं, तो ये है, और इसीलिए इसे एवर्जन है वार्म ड्रिंक्स से। थर्स्ट जो है डिज़ायर फॉर कोल्ड ड्रिंक्स, साइड राइट साइडेड ड्रीम्स जो है एमोरस ड्रीम्स आते हैं इसे, और क्योंकि हाईली एक्साइटेबल पर्सनैलिटी है। और दूसरा है फियरफुल ड्रीम्स आते हैं इसको, ऑलवेज जो है हमेशा जो है डर बना रहता है कि क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, है ना। फिर जो एपेटाइट है वो हंगर सून आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद तुरंत बाद जो है वो हंगरी हो जाता है। इसके अगर हम मोडालिटीज़ की बात करें तो इवनिंग में, और जो है ऑन पेनफुल साइड अगर वो लेटता है तो उसको तकलीफ होती है, वेदर चेंजिंग में बदलाव आता है तो प्रॉब्लम होती है, मेनली चिली पेशेंट है, ठंड से तकलीफ होगी। एमोरेशन लाइंग ऑन राइट साइड फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स और कोल्ड फूड से जो है इसे आराम मिलता है। और अब हम जो है दोस्तों, मैं आपको डिल्यूजन के बारे में बताना भूल गई, जो माइंड का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन यूजुअली लगभग सभी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, लेकिन फिर भी एक बार डिल्यूजन हम देख लेते हैं। पहला है कॉर्नर्स फेसेस वे आर लुकिंग आउट ऑफ एवरी, यानी ऐसा लगता है फॉस्फोरस पेशेंट को कि कमरे में जो फेसेस हैं वो कॉर्नर से जो है देख रही हैं उसको। फिर दूसरा है समथिंग कमिंग आउट ऑफ कॉर्नर्स इज फॉस्फोरस, कुछ कॉर्नर से वॉल्स के आ रहा है उसकी तरफ। फिर क्रिपिंग थिंग्स यानी जो रेंगने वाली चीज़ें हैं वो कॉर्नर आउट ऑफ एवरी, मतलब वो भी कॉर्नर से ही रूम के आ रही हैं। फिर डिजीज़, इनक्योरेबल डिजीज़ ही हैज़, इनक्योरेबल डिजीज़ है ये तो हमने देखा, पेशेंट रिकवरी से उसको लगता है कि मैं रिकवर कर पाऊँगा कि नहीं, इसका डाउट है। डाई अबाउट टू डाई ही वॉज इनक्योरेबल डिजीज़, यानी उसे लगता है कि उसकी बीमारी इनक्योरेबल है एंड ही इज़ गोइंग टू अबाउट टू डाई। तो फिर डबल बींग का मतलब है परिस्थिति जो है ऐसी है कि लोग जो है मिसबिहेव कर रहे हैं, स्टिल वो अकेलापन इतना फील कर रही है पर्सनैलिटी कि वो जो है लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, तो उसे अपने विल के खिलाफ वो काम कर रही है। एक तरफ वो जो है गुस्सा करना चाहती है, एंग्री होना चाहती है, दूसरी तरफ जो है क्योंकि उसको बुरा लग रहा है दो लोगों का बिहेवियर, स्टिल वो अच्छी बनी हुई है क्योंकि उसे लोगों की कंपनी की ज़रूरत है। तो डबल बींग का मतलब जो है इस सेंस में काफ़ी फिट बैठता है। फिर फायर, फ्लेम्स ऑफ फायर सींग पासिंग थ्रू हिम, यानी उसे लगता है फ्लेम्स ऑफ फायर जो उसके थ्रू पास हो रहा है, उसके पास से गुजर रहा है। तो ऐसा जो है फॉस्फोरस में, आप देखिए कि फॉस्फोरस एक ज्वलनशील पदार्थ है, तो उसी तरह की जो फीलिंग है वो पेशेंट को डिल्यूजन में होती है। फिर आइडेंटिटी एरर ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनल आइडेंटिटी, ये एल्यूमिना में भी है, और ये जो है पर्सनल आइडेंटिटी के जो क्वेश्चन है, जो मैंने बोला डबल बींग इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये इसमें भी है, समवन एल्स शी इज़। सो कभी कभी लगता है कि वो जो पर्सनैलिटी थी वो है ही नहीं, ये तो कुछ और ही बन चुकी है इस टाइप से। फिर मर्डर्ड विल ही मर्डर्ड ही, मतलब उसको लगता है कि उसका जो है लोग मर्डर कर देंगे, इस टाइप की फीलिंग उसको लगती, उसको ऐसा लगता है। फिर मर्डर्ड हैड मर्डर्ड समवन ही
तो इस टाइप की कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह की भी फीलिंग कभी कभी पेशेंट को आ सकती है। हालांकि कम है चांसेस, लेकिन ये फीलिंग भी जो है पेशेंट में आ सकती है। वॉइसेस हियरिंग, उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया डिल्यूजन का। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारी फॉस्फोरस पर्सनैलिटी। अब हम कुछ लास्ट में बात करेंगे कि दोस्तों होम्योपैथी में सिम्टम्स को जज करने के लिए माइंड में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिम्टम है कि ये सिम्टम है कि ये सिम्टम है, और दो सेम सिचुएशन में हो सकता है एक व्यक्ति जो है नेट्रम्यूर बन जाए, एक व्यक्ति है प्लम्बम बन जाए, तो देर इज़ अ ग्रेट कन्फ्यूजन। तो उसे दूर करने के लिए ये है कि जो नेट्रम्यूर है वो हॉट पेशेंट है, जो प्लम्बम है वो चिली पेशेंट है। तो इस तरीके से जो है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं होम्योपैथिक रेमेडीज़ में, मतलब डिफरेंट सिम्टम्स पे बेसिस पे आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और पोटेंसी और जो रिपीटेशन ऑफ डोजेस है वो भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे कि जो 30 है वो सेफेस्ट पोटेंसी कही जाती है, वो लेने पे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और लेकिन जैसे डिफरेंट पोटेंसीज है, जैसे कि 30 है, 200 है, 1 है, तो बीमारी जिस लेवल पे है उस लेवल पे ही अगर आप लेंगे, मतलब पेशेंट को देंगे तो ही फ़ायदा करेगा। अगर वो बीमारी जिस लेवल पे है उस लेवल पे आपने मेडिसिन नहीं दी, पोटेंसी नहीं दी, तो सिर्फ सिमिलर सिम्टम्स खोजने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर है उसका रिपीटेशन ऑफ डोजेस भी इम्पोर्टेंस रखता है। तो जो रेमेडी है उसकी रिपीटेशन जो है बार बार जो है होनी चाहिए। जब तक आपने डोज दिया है तब तक वो आराम होगा। सपोज़ आराम रहा, जब तक आराम है तब तक डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही प्रॉब्लम रिटर्न होता है तो अगेन जो है वो डोज आप रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है सिर्फ जो सिमिलिमम है वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स रखते हैं, जैसे कि सिमिलर सिम्टम्स खोजना सही रेमेडी, दूसरा है कि करेक्ट पोटेंसी, करेक्ट रिपीटेशन, और हाँ एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। तो उसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। तो दोस्तों और हाँ, मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में बायोकेमिक मेडिसिंस के बारे में भी बात करना चाहूँगी, जो सॉल्ट डेफिशिएंसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। होम्योपैथी का एक छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और उन मेडिसिंस को लेने से जो आपके शरीर में जो तत्व हैं उसकी जो कमी हो जाती है वो पूरी हो जाती है, जिससे कि रिकवरी में काफ़ी मदद मिलती है। यानी होम्योपैथी प्लस बायोकेमिक जो है वो क्योर की तरफ जो है पेशेंट को लेकर जाता है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने कमेंट में लिखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस आपको और मिल सके। और साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा। और अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी, अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको पसंद आए। थैंक यू।